साथियों पूछा गया है कि कोई एक बात दिमाग में घर कर चुकी है, बैठ चुकी है, बार बार चलती रहती है, हम इसे कैसे बाहर निकालें। यदि किसी बात को दोस्तों आज आप अपने दिमाग से बाहर निकालना चाहते हैं, अपने अंदर से बाहर लाना चाहते हैं, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो ये निश्चित है कि वो आपको दर्द देती है, और दर्द देती है तो ये भी निश्चित है कि वो नेगेटिव है। आज आपको उससे बाहर निकलने के रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं। आप ये भूल चुके हैं कि अज्ञानता में आप ही ने उसको बैठाया है, आप ही ने उसको अपने अंदर अपने घर में जगह दी है, तभी वो आज आपके घर में इतनी गहरी बैठी है कि वो आपको दर्द देती है। यदि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे तो निश्चित ही आपको बाहर उसे निकालने का रास्ता भी नजर आएगा। पहले हम समझ लेते हैं कि वो इतना डीप डाउन आपके अंदर बैठ कर आपको दर्द क्यों देती है। साथियों कोई भी विचार नेगेटिव उठे होंगे या कोई भी घटना आपके साथ में घटी होगी, उससे रिलेटेड थॉट आपके अंदर उठे, आपने उनको सही माना, उनसे रिलेटेड इमेजिनेशन आप करते गए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, सो बार नहीं, पता नहीं आपने कितनी बार की होगी, 24 घंटे आपके अंदर वही चला होगा। जब 24 घंटे आपके अंदर एक ही थॉट प्रोसेस चलता है तो वो अपने न्यूरल पाथवेज डेवलप कर लेते हैं, उसी तरह की इमेजिनेशन चलती रहती है, वो इमेजिनेशन आपके कंट्रोल में नहीं होती। नेगेटिव थॉट की इमेजिनेशन जब चलती है तो इतनी भयानक होती है, आप उसमें खो जाते हैं, यहीं से आपको डर पैदा होता है, यहीं से आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस एंड फीलिंग्स उठने लगते हैं जिनसे आप बाहर आना चाहते हैं। जैसे ही आप समझते हैं कि मैंने इसको इस तरह से बैठाया है, बस इसका रिवर्स प्रोसेस है जो आपको अपनाना होगा, यदि आप अपनाएंगे तो उसको निश्चित राहत मिलेगी। इसके लिए साथियों मेनली आप दो तरीके अपनाएं। नंबर एक, जो भी आज आपको बात परेशान करती है, इसका जो भी कोई थॉट प्रोसेस अपने आप में पॉजिटिव बनता है, वो आपको क्रिएट करना होगा अपने अंदर। उसके पॉजिटिव थॉट को बार बार आप सोचना शुरू करें, उससे रिलेटेड अब आपको अपनी इमेजिनेशन नहीं विजुलाइजेशन में जाना होगा। इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन में एक डिफरेंस है, इमेजिनेशन आपके कंट्रोल में नहीं होती, विजुलाइजेशन आपके कंट्रोल में होता है। मैंने अभी आपको बताया, आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये तो मैं करके देख चुका, मगर यहाँ पर आपने एक गलती जरूर की होगी। यदि आपको परिणाम नहीं मिला है, आप फिर से उसे शुरू करिएगा। आपके अंदर नेगेटिव हजार बार चलाए, इमेजिनेशन और वो थॉट का प्रोसेस जो आपके अंदर लगातार चला, जिसे आज आप दुष्चक्र बोलते हैं, जिसको आप चक्रव्यूह बोलते हैं, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव को आप 2-4-10 बार करने के बाद ही रिजल्ट पाना चाहते हैं, आपको मिलते नहीं तो आपका विश्वास उठ जाता है, आप उसे छोड़ देते हैं। साथियों यदि कोई थॉट आप नेगेटिव इतनी बार प्रोसेस करते हैं, वो आपके अंदर एक सर्कल बना चुका है, आपके अंदर पाथवेज डेवलप कर चुका है, आपको वो दर्द दे रहा है, तो पॉजिटिव पर भी आप इतना ही काम करेंगे तो निश्चित ही आपके अंदर के पॉजिटिव पाथवेज डेवलप हो जाएंगे, आपका विजुलाइजेशन जो आपके द्वारा गाइडेड होगा वो निश्चित ही वो नेगेटिव इमोशंस या फीलिंग्स को वहाँ से डिलीट करेगा, हटाएगा, उस एनर्जी को हटाएगा। अब आपके अंदर कुछ दिन बाद जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, 1-2-4 बार से होने वाला नहीं है साथियों, और इसकी कोई दवाई भी नहीं है कि आपने ली और आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, अब आपके न्यूरल पाथवेज भी पॉजिटिव हो चुके हैं, अब आपके अंदर पॉजिटिव विजुलाइजेशन अपने आप चलने लगेंगे, ऐसे नहीं होगा। ये आपको इंटेंशनली करना होगा। यदि करेंगे तो कुछ दिन बाद फिर आपके पैटर्न्स डेवलप होंगे, वो आपसे कराने लगेंगे, आपका दर्द आपका दुख सुख में बदलना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन आपको इसे करना होगा। दूसरा साथियों, जब भी आप ऐसा लगातार करते रहेंगे तो बीच बीच में आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स उठेंगे, वो इमेजिनेशन जो आपने किए वो बीच बीच में आकर के आपको डिस्टर्ब करेगी। इसके लिए मैं दूसरा अभ्यास आपसे शेयर करता हूँ कि आप दिन में 1-2-3 बार यदि इंटेंसिटी दर्द की ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो आँख बंद करके बैठ जाइए। जैसे ही वो नेगेटिव इमेजेस या नेगेटिव इमेजिनेशन आपके अंदर शुरू हो, वो नेगेटिव विचार आपके अंदर चले जिनसे आपको दर्द होता है, आंख बंद करके जब आप बैठे हैं तो अपनी मेंटल स्क्रीन पर उसे टूटकर बिखरता हुआ देखिएगा। उस इमेजिनेशन को, आप उस पिक्चर को, मूवी को जो आपको दर्द देती है, जिससे आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं,
आप अपनी मेंटल स्क्रीन पर टूट करके बिखरता हुआ देखिएगा। उन नेगेटिव विचारों को काले धुएं की तरह आप उड़ता हुआ देखिएगा। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको साइकोलॉजिकल यहाँ पर एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, करेंगे तभी आपको इसका एहसास होगा। दूसरा, उसी समय साथियों आप पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो आपका अपना कंट्रोल्ड होगा, जिसको आप खुद दिशा देंगे, कुछ देर आप उसे करिएगा। यहीं से आप नेगेटिव को हटा पाएंगे, पॉजिटिव को फिर से आप इंस्टॉल कर पाएंगे और फिर आपका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव विजुलाइजेशन जब आप बार बार करेंगे तो आपके अंदर का विशेष सर्कल टूट चुका होगा, आपके अंदर का थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो चुका होगा, आपका विजुलाइजेशन पॉजिटिव होगा, जिससे निकलने वाले फीलिंग्स एंड इमोशंस भी पॉजिटिव होंगे, आपके एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे, आपका परिणाम भी पॉजिटिव होगा। बस कुछ दिन आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। नेगेटिव को आपने अंदर बैठाने के लिए भी आपने एफर्ट्स किए थे, लेकिन वो आपसे अज्ञानता में होते चले गए। सिर्फ अब आपको अवेयरनेस को बीच में लाना है। जागरूक रह करके कुछ दिन आप ये करेंगे तो बहुत जल्दी आपका दर्द खत्म हो जाएगा। जो बात घर कर गई है, गहरी बैठी है, उससे आपका पीछा छूट जाएगा। साथियों, जब आप नेगेटिव लोगों से जो आज आपके साथ में हैं, जो आज आपको कष्ट देते हैं, उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो यही तरीका है कि आप उनसे अपने मिलना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, टाइम देना कम कर देते हैं, अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, आई कॉन्टेक्ट आप उनसे नहीं करते हैं। धीरे धीरे उनका और आपका कनेक्शन लूज होता चला जाता है, वो बेचारे कहीं और चले जाते हैं, और आप पॉजिटिव लोगों के साथ में अपनी कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं तो इसका आपको उल्टा करना होता है, उनके लिए टाइम देना होता है, मिलना होता है, उस रिलेशनशिप को धीरे धीरे आप नर्चर करते चले जाते हैं। निश्चित ही उस पर आपके एक दिन सुखद फल लगते हैं और आपके परिणाम भी सुखदायी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। यदि आप इसी तरह से अपने इनर वर्ल्ड पर, अपनी मेंटल स्क्रीन पर, अपने अंदर में जा करके काम करेंगे तो आपका फिजिकल लेवल का पेन, आपका इमोशनल लेवल का पेन, आपका मेंटल लेवल पर जो आज आप रेस्टलेसनेस हर वक्त महसूस करते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी, आपको जीवन अच्छा लगेगा, आपको नींद भी आने लगेगी, आपको ये दुनिया फिर से अच्छी लगने लगेगी, आप एक पॉजिटिव वर्ल्ड क्रिएट करते चले जाएंगे, पॉजिटिव लोग आपके आसपास आते चले जाएंगे, आपकी वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव होंगी, आपके परिणाम भी सुखद होंगे। करके देखेंगे तो निश्चित ही साथियों रिजल्ट मिलेगा। और ज़्यादा परेशान है, खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे 21 डे ऑनलाइन इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की हेल्प ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप क्लिक कर जानकारी लें। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।